परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर दौरे पर रहे, जहां कोलायत में हल्ला बोल रैली निकालकर सरकार पर जमकर प्रहार किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा आरएलपी ही है, वो आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं जेजेपी के प्रदेश में संभावनाओं को लेकर कहा कि राजस्थान का कार्यकर्ता हरियाणा यूपी के लोगों का झंडा नहीं उठाएगा। बीकानेर दौरे के दौरान पेपर लीक, भर्ती घोटाला, बजरी खनन रॉयल्टी और किसानों के मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत के हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। आरएलपी सुप्रीमो, किसान नेता और दिल्ली में रीजनल पार्टी के बावजूद अपनी एक आवाज रखने वाले हनुमान बेनीवाल बीकानेर में हैं। हल्ला बोल वो राजस्थान के अलग अलग अंचल में कर रहे हैं। बीकानेर में उनकी दूसरी बड़ी रैली होने जा रही है। उनसे हम समझते हैं और पूछते हैं, बेनीवाल साहब, राजस्थान में जब भी ये बात होती है तो ये बात कही जाती कि यहाँ थर्ड फ्रंट के लिए जगह नहीं है, लेकिन आप शिद्दत से लगे हुए हैं, कुछ कामयाबी मिली, कुछ नाकामयाबी मिली, तो कैसे देखते हैं अब आगे जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या रणनीति आरएलपी की है? देखिए, ये सही बात है कि 1980 के बाद राजस्थान के अंदर लगातार आप ये देख लीजिए 45 साल का जो समय बिता है उसमें कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, माँ ओंकार रैलियाँ करी 16, 17, 18 के अंदर, और उसके बाद हमने पार्टी बनाई और पार्टी बना के 5 साल आरएलपी राजस्थान की ऐसी पार्टी है जो यहाँ के किसान के बेटों ने, किसानों ने खुद अपनी पार्टी बनाई, उसको मान्यता मिली, तमाम मामले में लोकसभा के अंदर उठाए। और यहाँ भी हमारी पार्टी ने गठन के बाद हम शांत नहीं बैठे, सड़क से लेकर सदन तक अगर संघर्ष करते हुए कोई विधायक देखेंगे तो हमारे ही विधायक थे। हमने वो काल भी देखा था, कालखंड, बीजेपी आरएलपी को तोड़ने का खूब प्रयास करने के बावजूद भी पार्टी नहीं टूटी। बाकी बीटी भी टूट गई, कम्युनिस्ट टूट गई, 6 बसपा के विधायक चले गए और लोकदल टूट गया। एकमात्र दल है जिसकी संख्या के हिसाब से भी वो थर्ड फ्रंट है और लड़ता हुआ भी आपको आरएलपी देखेगा, माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी हमने 8 रैलियाँ इस महीने के अंदर की, अभी लोनगढ़ सर की पहले हो गई थी, 9 रैलियाँ हो जाएगी 26 तारीख तक। मुख्य मुद्दे हमारे स्टेट हाईवे टोल फ्री करो, जो पहले हमारे दबाव में पिछली सरकार ने किया। बजरी माफिया जिस तरह राजस्थान में हावी है, नदी को 20-30 मीटर तक खोद दिया, अवैध गुंडागर्दी जो बजरी माफिया की थी, बजरी माफिया वही है जिस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है, बॉर्डर तक को खोद दिया, तो कौन आएगा आखिर, मुझे बताओ लड़ने के लिए? बीजेपी तो शांत है, 4.5 साल बाद बीजेपी को याद आया कि हमें सत्ता संभाल, इसलिए छोटे मोटे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बेनीवाल की काट ढूंढी जा रही है साहब, जेजेपी को बुलाया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि भाई अब किसानों को हम मतलब कर लेंगे। कुछ नहीं, जेजेपी तो खुद हरियाणा में छाप हो रही है पूरी, वहाँ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जब खट्टर को समर्थन दिया, खट्टर वही व्यक्ति है जिसने किसान के बेटों को मारा था, गोलियों से भुना था। इनकी तो खुद की जो हालत है वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे जेजेपी वाले, यहाँ तो इनका मतलब ही नहीं है। उसको लोग कर दें कि भाजपा कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, भाजपा कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं होगा। अब की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और चाहेंगे कि थर्ड फोर्थ से जो भी है वो साथ मिलकर हम लड़ें, ताकि कांग्रेस बीजेपी को इसका फायदा नहीं, हमारा वोट एक जगह पड़े सब। इस बार नौजवान परिवर्तन करेगा, निश्चित है कि राजस्थान में हम सरकार के अंदर आएंगे और या हमारे बिना किसी की भी सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, स्थिति राजस्थान के अंदर हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की और कहा कि बेबाकी से हम मुद्दे उठाते रहे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।